हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ग्नू इंडिया में एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और साथ ही आप कैसे असाइनमेंट सबमिट करेंगे उसके बारे में भी। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली से हैं और उनका आरसी दिल्ली आरसी 1, दिल्ली आरसी 2, दिल्ली आरसी 3 है, तो वो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी और आरसी के स्टूडेंट और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे, और जो भी आपके आरसी से अपडेट आएगा वो भी आपको टाइम पर मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन का अपडेट अब तक नहीं पहुंचेगा। सो आई होप जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे वीडियो को, वो सिर्फ दिल्ली आरसी के होंगे। दिल्ली के तीनों आरसीओ ने अपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कुछ स्टूडेंट को पता है ये बात और कुछ स्टूडेंट को अब भी ये नहीं पता है उनके असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं उनको। सो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आरसी 1 के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह नोटिफिकेशन है जो दिल्ली आरसी 1 की ओर से रिलीज करा गया था। इस नोटिफिकेशन में कुछ रीजनल सेंटर ने बोला है कि आप अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के द्वारा सबमिट करें, और कुछ स्टडी सेंटर ने बोला है कि आपको अपने असाइनमेंट बाय हैंड जमा करने हैं स्टडी सेंटर पर जाके ऑफलाइन मोड में। और साथ ही यहाँ पे टाइमिंग भी दी गई हुई है, कब से कब तक खुलेगा आपका स्टडी सेंटर, और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया गया है कि किस डे पर जाना है आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने से पहले। सो जो भी स्टूडेंट दिल्ली आरसी 1 के हैं वो इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली आरसी 2 स्टूडेंट के लिए। सो दिल्ली आरसी 2 ने असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस और साथ ही असाइनमेंट सबमिशन की लिंक जारी करी है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हुई है असाइनमेंट सबमिशन को लेकर। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस गाइडलाइन को एक बार जरूर रीड करें, और इन गाइडलाइंस को रीड करने के बाद ही अपने असाइनमेंट सबमिट करें। उससे पहले अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए और आपके असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके बाद आप अपने स्टडी सेंटर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे स्टडी सेंटर ने बोला है कि आप अपने असाइनमेंट गूगल फॉर्म के साथ सबमिट करें, और कुछ स्टडी सेंटर ने बोला है कि आप अपने असाइनमेंट स्पीड पोस्ट कर दें, और कुछ स्टडी सेंटर ने बोला है कि आप अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर पर जाकर ही सबमिट करें। सो एक बार लिस्ट को जरूर चेक कर लें, उसके बाद ही आप अपने असाइनमेंट सबमिट करें। सो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली आरसी 3 के स्टूडेंट के बारे में। तो दिल्ली आरसी 3 ने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था काफी पहले। दिल्ली आरसी 3 ने भी ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन को लेकर गाइडलाइंस जारी करी है, और साथ ही कुछ स्टडी सेंटर ने गूगल फॉर्म जारी कराया, और कुछ स्टडी सेंटर ने ईमेल जारी करी है। और जो भी स्टूडेंट दिल्ली आरसी 3 के हैं वो इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का। और गाइडलाइंस को एक बार रीड करने के बाद ही आप अपने असाइनमेंट सबमिट करें, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो असाइनमेंट सबमिशन के दरमियान। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें, ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।